नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा पद्मावत मूवी के बारे में। जी हाँ, 4 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, यानी कि हम वैसे तो 28 दिन, 4 हफ्ते राइट, लेकिन ये गुरुवार को रिलीज हुई तो इसका 29 दिन हो चुका है। तो 29 डेज तक का कलेक्शन आपको बताऊंगा। फटाफट बता दो, पद्मावत ने पहले हफ्ते में 166.50 करोड़ की कमाई की, यानी कि 156.50 करोड़ की। उसके बाद दूसरे हफ्ते में 69.50 करोड़, यानी कि 70 करोड़ में 50 लाख कम। और तीसरे हफ्ते में 31.75 करोड़, यानी कि 31.75 करोड़ की कमाई की। चौथे हफ्ते में 14.03 करोड़ की कमाई की, यानी कि अगर आप ध्यान दें तो 31 करोड़ के बाद 14 करोड़ का कलेक्शन आया, यानी कि जो ड्रॉप है 50-60% का ड्रॉप है, बहुत बड़ा ड्रॉप। जैसे हमने देखा पैडमैन में, पैडमैन बहुत बड़ा ड्रॉप था लेकिन इसमें नहीं है। और वीक फोर की अगर मैं बात करूँ कलेक्शन की डिटेल में, तो वीक फोर के फ्राइडे में 1.75 करोड़ था, सैटरडे में 3 करोड़ था, संडे में 4 करोड़ था, मंडे में 1.55 करोड़ था, ट्यूजडे में 1.25 करोड़ था, वेडनेसडे में 1.23 करोड़ था, और उसके बाद थर्सडे को 1.25 करोड़ था। यानी टोटल जो इसका अभी तक का कलेक्शन हुआ है 281.78 करोड़ हुआ है। और एक फिल्म कमाल की चल रही है, और मैं दावे से कहता हूँ ये फिल्म आने वाले वक्त में, यानी कि इस हफ्ते भी कुछ अच्छे कलेक्शंस कर लेगी। मेरे ख्याल से इसका लाइफ टाइम जो खत्म होगा वीक, मेरे हिसाब से आई थिंक 288 या 290 के बीच में खत्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, ये फिल्म 300 करोड़ मिस कर देगी। और ये भी सुनने में आया फिलहाल में कि गुजरात में शायद ये फिल्म संडे से या फिर मंडे से पूरी तौर पर रिलीज होगी। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ उस पर, लेकिन अगर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगा, और अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल कितना ही बाय।